Hello friends, today I gonna explain you the chapter Deep Water, written by William Douglas. Friends, in this chapter, the author William Douglas is talking about his fear of water, and he is telling us how he finally overcame it. दोस्तों, इस चैप्टर में जो ऑथर हैं विलियम डगलस, वो अपने पानी के डर के बारे में बात कर रहे हैं और वो हमको बता रहे हैं कि कैसे फाइनली उन्होंने इस पर काबू पाया, इस डर पर काबू पाया. व्हेन द राइटर वाज 10 और 11 इयर्स ओल्ड, जब लेखक 10-11 साल का था, ही डिसाइडेड टू लर्न टू स्विम. उसने फैसला किया कि वो तैरना सीखेगा. ही डिसाइडेड टू लर्न इन यमका पूल. उन्होंने फैसला किया कि वो यमका पूल में तैरना सीखेगा. इट वॉज सेफ, ये जो पूल था ये सेफ था. इट वॉज 2 और 3 फीट डीप एट वन साइड. ये जो पूल था ये एक तरफ 2 या 3 फीट गहरा था, एंड 9 फीट एट द अदर, और दूसरी तरफ ये 9 फीट गहरा था. द राइटर सेज दैट, लेखक बोलता है कि व्हेन ही वॉज 3 और 4 ईयर्स ओल्ड, जब वो 3 या 4 साल का था, हिज फादर टुक हिम, उसके फादर उसको लेकर गए थे टू द बीच इन कैलिफोर्निया. कैलिफोर्निया बीच पर लेकर गए थे. देयर अ वेव नॉक्ड हिम डाउन, वहाँ पर एक समुंदर की लहर उसे टकराई, एंड स्वेप्ट ओवर हिम, और उसको ऊपर से निकल गई. ही वॉज वेरी फ्राइटेंड, तब वो बहुत डर गया था, तभी से ये पानी का डर उसके अंदर बैठा हुआ था. तो दोस्तों, अभी वो 10-11 साल का हो गया है, एंड द राइटर वेंट टू यमका पूल, और राइटर यमका पूल में गया. एन 18 ईयर ओल्ड बॉय पिक्ड हिम अप, लेकिन वहाँ पर एक 18 साल के लड़के ने उसे उठाया, एंड टॉस्ड हिम इनटू द डीप एंड, और गहरे सिरे की तरफ जो 9 फीट का था उसमें उसको फेंक दिया. Those 9 feet seemed to be 90 to the writer. लेखक को वो 9 feet जो थे वो 90 feet जैसे लगे. He tried to come up. उसने ऊपर आने की कोशिश करी, बहुत कोशिश करी, but failed. लेकिन वो फेल रहा. He was suffocating. उसको घुटन हो रही थी. He tried to eel. उसने चीखने की कोशिश करी, बट नो साउंड केम आउट, लेकिन कोई आवाज बाहर नहीं आ पाई. ही ट्राइड टू कॉल फॉर हेल्प, टू कॉल फॉर मदर. उसने मदद के लिए चिल्लाने की कोशिश करी, अपनी माँ को बुलाने की कोशिश करी, बट नथिंग हैपेंड, लेकिन कुछ नहीं हो पाया. द नेक्स्ट द राइटर रिमेंबर्ड, अगली चीज़ जो लेखक को याद रही, दैट ही वॉज लाइंग ऑन द स्टोमक, कि वो पेट के बल लेटा हुआ था बिसाइड द पूल, पूल के बगल में, एंड ही वॉज वॉमिटिंग, और वह उल्टी कर रहा था. किसी प्रकार उसको बचाया गया. ड्यू टू फियर ऑफ वाटर, पानी के इस डर के कारण, द राइटर वॉज नॉट एबल टू एन्जॉय फिशिंग ट्रिप्स. जो लेखक था वो फिशिंग ट्रिप्स एन्जॉय नहीं कर पा रहा था, बोटिंग एन्जॉय नहीं कर पा रहा था, एंड स्विमिंग एन्जॉय नहीं कर पा रहा था. दोस्तों, फाइनली ही डिसाइडेड टू गेट एन इंस्ट्रक्टर. फाइनली उसने डिसाइड किया कि वो इंस्ट्रक्टर की मदद लेगा, एक टीचर की मदद लेगा, एंड लर्न टू स्विम, और तैरना सीखेगा. He went to a pool. वो एक तालाब
गया, तालाब के पास गया एंड प्रैक्टिस्ड 5 days a week, और एक सप्ताह में उसने 5 दिन प्रैक्टिस की, एन आवर ईच डे। वो रोजाना 1 घंटे प्रैक्टिस करता था। द इंस्ट्रक्टर पुट अ बेल्ट अराउंड हिम, इंस्ट्रक्टर ने एक बेल्ट उसको बांध दिया, अ रोप अटैच्ड टू द बेल्ट, और एक रस्सी उस बेल्ट से जुड़ी थी। द इंस्ट्रक्टर टॉट हिम, इंस्ट्रक्टर ने उसे सिखाया टू पुट हिज फेस अंडर वाटर, कि वो अपना चेहरा पानी के अंदर रखे एंड एक्सहेल, और फिर सांस बाहर छोड़े, एंड टू रेज हिज नोज, और अपनी नाक उठाए एंड इनहेल, और फिर अंदर की तरफ सांस ले। पीस बाय पीस ही बिल्ट हिम अ स्विमर, और धीरे धीरे इंस्ट्रक्टर ने उसको एक स्विमर बना दिया। टू चेक दैट द टेरर हैड गॉन और नॉट, ये चेक करने के लिए कि डर उसको छोड़कर गया था कि नहीं गया था, ही स्वैम इन द लेक, जो लेखक था वो लेक में तैरने गया। ही चैलेंज्ड द टेरर, उसने डर को चैलेंज दिया, चुनौती दी, एंड ओवरकेम इट, और इस पर काबू पाया। द राइटर सेज दैट, लेखक कहता है कि इन डेथ देयर इज पीस, मृत्यु में शांति है। देयर इज टेरर ओनली इन द फियर ऑफ डेथ, डर तो सिर्फ मौत से घबराने में है। एज रूजवेल्ट न्यू, जैसा कि रूजवेल्ट जानते थे, व्हेन ही सेड, जब उन्होंने ये कहा था, वो अच्छी तरह जानते थे चीज़ों को, ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इट्सेल्फ, उन्होंने कहा था, रूजवेल्ट ने कहा था, ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इट्सेल्फ, वो चीज़ जिससे हमको डरना है वो डर खुद है, तो हमें डरना नहीं चाहिए। So this was the chapter, Deep Water. I hope ये वीडियो आपका अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू।